बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। आज हमारे पास है टेस्ट वन नाउन्स, और टेस्ट वन नाउन्स की डिस्कशन में हम जाएंगे। उससे पहले बेटे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा सब बेटे और बेटियों से। आप एक बात बेटे ध्यान में रखें, स्टडी सेशन के दौरान जो टेस्ट आपके होंगे, ये इवेल्युएशन या अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे नहीं है कि आपके अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आप ये अपने माइंड में साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रेशराइज करें कि जी मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, क्या होगा, मेरी यूनिट पर ग्रिप हुई है या नहीं हुई है। ये ऐसे काम नहीं करता। देखें, आपके ये जो टेस्ट हैं जो स्टडी सेशन के दौरान चलेंगे, ये क्लास टेस्ट होते हैं, ये फॉर प्रैक्टिस होते हैं। जैसे अभी अगर हमने नाउन्स पढ़ा है तो नाउन्स की प्रैक्टिस के लिए हमने ये 55 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। लेकिन एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ये बात याद रखनी है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर रूल इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी एक क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे, डिस्कशन में भरपूर हिस्सा लेना। अगर आप समझते हैं कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, गलत हुआ है, सही हुआ है, वट एवर इट इज, जैसा भी है, आपने किसी भी डिस्कशन को लाइटली नहीं लेना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास बेटे, ऑल्दो शी हैज स्टडीड, और ये क्वेश्चन नंबर टू है गालबन। हम क्वेश्चन नंबर वन से जाएंगे। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स हुए तो रूल्स सिर्फ लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। आप टेस्ट किया आपने, आपको बहुत सारी बातें टेस्ट की डिस्कशंस में पता चलेंगी, बहुत सारी चीजें हम टेस्ट की डिस्कशंस में से निकालेंगे। हमने अपने रूल्स को कहीं पर भी फुल स्टॉप लगा के छोड़ना नहीं है, ये बातें चलती रहेंगी, ये बातें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई डिस्कशन में कोई रूल नया देखते हैं, कोई बात नहीं देखते हैं, तो आपने उसको अपने पास नोट करना है और वो आपके रूल्स का हिस्सा रहेंगी, आपके नोट्स का हिस्सा रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर वन में है, ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव देम सो फार। देखें, पहला ही ऑप्शन हमारे पास है ऑर्डर। आपने क्या करना है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बोला था वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस क्या होती है, जब हमें दो वर्ड्स के दरमियान में से चूज करना होता है कि हमने इसका कौन सा फॉर्मेट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यूज करना है। लाइक अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे तो इसमें हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के लिए यूज करना है। तो जब हमें सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो हम कभी भी वर्ब को सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। ऑर्डर जो है ये वर्ब फॉर्म है, हमें इसकी नाउन फॉर्म चाहिए होगी। आपने क्या करना है, अपने नोटबुक का एक पेज डेडिकेट करना है, उसके ऊपर हेडिंग देनी है आपने वर्ड चॉइस की। वर्ड चॉइस के बाद आपने फर्स्ट हेडिंग उसमें देनी है वर्ब नाउन। आपने उसकी सब हेडिंग कौन सी देनी है, वर्ब नाउन। हम दो तीन हेडिंग्स में जाएंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट जैसे जैसे आएगा मैं उसमें एडिशन करवाता जाऊंगा। लेकिन ये पेज याद रखिएगा, जब भी मैं बोलूं वर्ड चॉइस वाला पेज तो जो एडिशन हमने करने इस पेज पे करने, याद रखिएगा। और ये थ्रू आउट द सेशन इसी तरह चलेगा। आपने सब हेडिंग देनी है वर्ब नाउन। अब वर्ब नाउन में देखिएगा, जैसे हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर वर्ब फॉर्मेट होता है। अगर हम इसका नाउन फॉर्मेट चाहिए होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, ऑर्डर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास वर्ड होता है ADVISE, और अगर हमें उसका नाउन फॉर्म चाहिए होता है तो हमें लिखना होता है ADVICE। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने वर्ड लिखना होता है बिलोंगिंग वर्ब के लिए, जैसे आपने पढ़ा भी शेख सादी में, और आपके पास बिलोंगिंग्स वर्ड होता है नाउन फॉर्म में, जैसे आपने पढ़ा पीस ऑफ स्ट्रिंग में एस के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है, और पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड में से। इसको मैं स्टार कर रहा हूं इसलिए, अगर आपने वर्ब फॉर्मेट लिखना है तो वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है मीन, और नाउन फॉर्म में इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका अगर हमने लिखना है तो क्या होता है, मीन्स। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका एक वर्ड वर्ब फॉर्म में होता है और उसका दूसरा वर्ड किस फॉर्म में होता है, नाउन फॉर्म में। अगर तो हमें सेंटेंस में वो वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है या हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है, तो देन हमें दोनों सूरतों में उसका कौन सा फॉर्मेट यूज करना होगा, नाउन फॉर्मेट यूज करना होगा, याद कीजिए, याद रखिएगा। ऑर्डर सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है, ऑर्डर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है, तो ऑर्डर्स आएगा।
एडवाइस सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है, तो ADVICE आएगा, SE नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये पेज अपने पास बना लीजिएगा, वर्ड चॉइस का हेडिंग दीजिएगा, सब हेडिंग में वर्ब नाउन दीजिएगा। ये वो पेयर होंगे जिनमें से एक वर्ड वर्ब होता है और दूसरा वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। हम इसी तरह बनाते जाएंगे, आगे पेयर का भी एडिशन करते जाएंगे। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बेटे, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बेटे याद रखिएगा, वर्ड अल्फाबेट जो होता है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश के 26 लेटर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। अब इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोल सकते देर आर टू अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, हमें बोलना होगा अल्फाबेट। अल्फाबेट्स का मतलब ये, अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स सीख लिए मैंने, मुझे क्या बोलना होगा, या तो मैं बोल सकता हूं मुझे इंग्लिश के लेटर्स का पता है, या मैं क्या बोलूंगा मुझे इंग्लिश के अल्फाबेट का पता है। जब भी मैं वर्ड अल्फाबेट बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए टू जी लेटर जितने भी हैं। तो यहां पर हम इसको अल्फाबेट्स नहीं बोल सकते, हम इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इसको क्या लिखना होगा, सिंगल लिखना होगा, हमें इसको विदाउट एस लिखना होगा, याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन में है। देर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक, आपने पढ़ा स्कोर का वर्ड, और स्कोर का मतलब हमारे पास होता है 20 ईयर। इस पे भी सेम वही रूल अप्लाई होगा जो 100,000 million billion trillion पर अप्लाई करते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलता हूं 2000 या मैं वर्ड बोलता हूं 2 millions, तो जब मैं 2 millions बोलूंगा तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन मेरे पास ठीक नहीं होगा। मुझे सही एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, 2 million। मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपको याद हो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जितने भी गिनती वाले वर्ड हैं 100,000 million billion trillion क्विंटिलियन क्वाड्रिलियन सेप्टिलियन ऑक्टिलियन नोनिलियन डिसिलियन अनडिसिलियन जितने भी वर्ड है हमारे पास, हम उनको सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं, या तो उनसे पहले कोई नंबर नहीं लिखा जाता या उनको नंबर के साथ लिखा जाता है। अगर हम उनको नंबर के साथ लिखेंगे तो हम उसके साथ इन वर्ड्स के साथ किसी के साथ भी एस का एडिशन नहीं करेंगे, और अगर हम इनको नंबर के बगैर लिखेंगे तो फिर हम इनके साथ एस का एडिशन करेंगे, याद रखिएगा। टू स्कोर्स नहीं होगा बेटे, क्या होगा, टू स्कोर, ठीक है। उसके बाद शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ये रूल आपने पढ़ा, हमारा एक पूरा ग्रुप था जिसमें हमने बोला कि सिंगुलर भी ऐसा ही होता है और प्लूरल भी ऐसा होता है। फिश सिंगुलर में भी फिश होता है, फिश प्लूरल में भी फिश होता है। कैटल सिंगुलर में भी कैटल होता है, प्लूरल में भी कैटल होता है। इसी तरह शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता बेटे, याद रखिएगा, शीप सिंगुलर में भी शीप होगा और शीप प्लूरल में भी शीप ही होगा। इसमें आपने एस का एडिशन, इसमें आपने बेटे एस का एडिशन नहीं करना, याद रखिएगा। शीप्स आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शीप आर। मैं दोबारा बता देता हूं, ये पूरा ग्रुप था हमारे पास एक वर्ड का जिसमें हमने बोला था कि ये वो वर्ड्स होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं। जब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं तो हम उसके साथ एस का एडिशन कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो शीप्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, शीप। आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का वर्ड आपने इसके साथ तीन वर्ड अपने पास लिखने हैं, और याद रखिएगा ये उन वर्ड्स की लिस्ट में शामिल होगा जिनको हम कभी भी विदाउट एस नहीं लिखते हैं। कंटेंट कोई वर्ड नहीं होता, बल्कि वर्ड हमारे पास क्या होता है, कंटेंट्स। इसी तरह डिटेल कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा, वर्ड हमारे पास क्या होता है, डिटेल। सेम इसी तरह आप याद रखिएगा पर्टिकुलर पार्टी, कोई वर्ड नहीं होता, इसको भी हमें किसके साथ लिखना होता है, एस के साथ लिखना होता है। जहां पर भी आप कंटेंट पढ़ेंगे गलत होगा, कंटेंट्स आएगा, डिटेल्स आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा। जब भी आप ये वर्ड लिखेंगे आपको इनको एस के साथ लिखना होगा, विदाउट एस आप इनको नाउन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो एरर है सेंटेंस में वो कंटेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, कंटेंट। कंटेंट को हमें क्या बनाना होगा, कंटेंट्स बनाना होगा। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, इसको जरा गौर से देखिएगा, मैनी वर्क्स को, मैनी वर्क्स में आप याद रखेंगे वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन। इस एक्सप्रेशन को आप दो तरह से ठीक कर सकते हैं, आप इसको लिखें वर्क
और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर लिखे, और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर हमारे पास क्या होता है, मच। ये इस फॉर्म में बिल्कुल ठीक होगा। मैं सेंटेंस को कैसे बोल सकता हूं, आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट। मुझे सेंटेंस कैसे लिखना होगा, आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट। वर्क टोटल अनकाउंटेबल नाउन है, जब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आने वाला क्वांटिफायर भी मुझे क्या लिखना होगा, अनकाउंटेबल लिखना होगा। अनकाउंटेबल क्वांटिफायर क्या होता है, मच होता है। अगर मैं इसको काउंटेबल बनाना चाहता हूं और प्लूरल बनाना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं इसको लिखूंगा पीसेज ऑफ, मैं इसको किसके साथ लिखूंगा, पीसेज ऑफ वर्क, और साथ में मैं क्वांटिफायर बेटे कौन सा लिखूंगा, मैनी। क्योंकि जब मैं पीसीज का वर्ड लिख देता हूं तो इसको मैंने एक अनकाउंटेबल से हटा के क्या बना दिया, काउंटेबल, और काउंटेबल के लिए मुझे काउंटेबल क्वांटिफायर चाहिए, दैट इज मैनी। वर्क के वर्ड को या किसी भी काउंटेबल वर्ड को आप याद रखेंगे, मुझे दो तरह से लिखना है, या तो मैं लिखूंगा मच वर्क या मैं क्या लिखूंगा, मैनी पीसीज ऑफ वर्क। और दूसरी सूरत में, दोनों सूरतों में आपने एक बात याद रखनी है कि मैं वर्क के साथ एस का एडिशन दोनों सूरतों में नहीं कर सकता हूं। अगर इसको मैं काउंटेबल लिखता हूं तब भी, अगर इसको मैं अनकाउंटेबल लिखता हूं तब भी, मच के साथ लिखूंगा तो वर्क के साथ एस का एडिशन नहीं होगा, पीसेज ऑफ वर्क लिखूंगा तो सूरत में भी वर्क के साथ एस का एडिशन नहीं होगा, लेकिन क्वांटिफायर जो आएगा वो मेरे पास कौन सा आएगा, मैनी। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास मैनी वर्क्स होगा, ये लिखना गलत है। या तो इसको सही करने के लिए मुझे क्या लिखना है, मच वर्क, या मुझे क्या लिखना है, मैनी पीसेज ऑफ वर्क।